हे गाइस, बेटू आईटी है। देखो, आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि आप में से मतलब 50% से ज्यादा बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने ये ग्लिच यूज किया। मैं तो कहता हूँ 90% बंदे होंगे जिन्होंने ये ग्लिच यूज किया है। जो हमारा हाइड आउट इवेंट आया था उसमें से बंदों ने डायमंड ग्लिच यूज किया था। एंड आप रीजन के सेक्शन में जाओगे तो भाई साहब 80-80 हज़ार था बैजेस बंदों ने खरीद रखे। एंड रीजन पर नहीं, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स है ना ऑलमोस्ट बैजेस वाले, वो ग्लोबल पर भी शो हो रहे हैं इतने ज्यादा मतलब नंबर्स में कि गैरेना उन पर फोकस करेगा। अब बात यह करते हैं कि आप लोगों की आईडी के साथ क्या होने वाला है। मतलब देखो, अभी तक आप बहुत सारे यूट्यूबर आपको केवल चांसेस बताते हैं कि ये हो सकता है। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, इन दोनों में से एक चीज आपके साथ कंफर्म होने वाली है। पहले तो मैं बात करने वाला हूँ ये जो बैजेस वाले बंदे जिन्होंने 80,000, 30,000, 40,000 जो ये बैजेस ले रखे हैं ना, आप देखना कुछ टाइम बाद, जैसे कि आपको पता होगा अभी ये इलीट पास का जो अभी सीजन चल रहा है इलीट पास, ये खत्म होने वाला है। बट अगर ये खत्म नहीं होता तो गैरेना क्या करता, जो ये रीजन पे जितने भी बैजेस वाले हैं इन सब के बैजेस हटा दिए जाते हैं। बट अभी रीजन खत्म मतलब जो इलीट पास का सीजन है वो खत्म होने वाला, तो इनके साथ ऐसा नहीं होगा। इनकी आईडी को अभी कुछ नहीं होने वाला, बैजेस इनके प्रॉपर शो रहेंगे एंड इलीट पास सीजन खत्म होने के बाद इनकी प्रोफाइल में भी रहेंगे। एंड सेकेंड चीज, जो कि ये जो बंदे हैं जितने भी बंदे हैं जिन्होंने ये ग्लिच यूज किया था, अब उन लोगों के बात करते हैं। देखो, आपके साथ दो चीजें होनी चाहिए, मतलब होंगी, मतलब जो कंफर्म है दो चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बस जो होती है पेनल्टी, गैरेना की तरफ से आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि ये उसका पॉलिसी में आता है। गैरेना चाहती है मतलब अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो उसको पॉलिसी मतलब जो उसकी गैरेना की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी पे करना पड़ता है। इसी लैंग्वेज में बोलूं तो आपके आईडी में आने वाला है रेस्ट्रिक्शन। बट अगर जैसे मान लो आपने 40,000 या 50,000 डायमंड का अगर आपने ग्लिच यूज किया, 50,000 डायमंड अपनी आईडी में लिए, तो आपकी आईडी में 50,000 का रिफंड नहीं आने वाला गाइस। क्योंकि रिफंड बेसिकली होता ये चीज है कि जैसे आपने गैरेना को जैसे कोई चीज ले ले एंड उसका पे नहीं किया, वो चीज होती है रिफंड। एंड देखो, अगर ऐसा केसेस होता है ना, तो गैरेना जैसे आपने 50,000 डायमंड गैरेना से लिया तो आपको रेस्ट्रिक्शन देगा उसके 10% के अकॉर्डिंग, मतलब 5 या 6 5,000 के समथिंग का आपको माइनस में डायमंड दे देगा। जैसे ही आप 4,000 का टॉप अप करोगे आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये बात गैरेना भी जानता है कि ज्यादातर बंदे ऐसे हैं, अगर वो गेम छोड़ देंगे, बहुत से बंदे ऐसी कंडीशन में गेम छोड़ देते हैं जो गैरेना का मार्केटिंग पॉलिसी है। मतलब देखो, सीधी लैंग्वेज में बोलूंगा, आपकी आईडी में अगर अभी आपने जैसे डायमंड के लिए यूज किया, आपने 10,000 डायमंड लिया, तो आपकी आईडी में 200-300 उस हिसाब से आपको रेस्ट्रिक्शन आएगा जिसको आप इजिली पे कर सको। गैरेना भी आपकी आईडी के अकॉर्डिंग जानता है कि किस बंदे को कितना डिस्काउंट वगैरह देना चाहिए क्योंकि वो इवेंट वगैरह निकाल सके, तो उसी हिसाब से आपको रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा जितना आप पे कर सकते हो। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने अभी तक गैरेना के अंदर मतलब फ्री फायर के अंदर मैक्सिमम कितना बड़ा वाला टॉपअप किया, एक दिन में मतलब मैक्सिमम कितना ज्यादा टॉपअप किया, उसके अकॉर्डिंग आपका रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। ये सब होता है रिफंड कंडीशन में। जैसे कि मान लो अगर आप रिफंड करते हो डायमंड तो आपको ये सब पे करना पड़ता। अब आपको बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे, जैसे कुछ पार्टनर प्रोग्राम वाले भी बोल रहे थे कि ये सबकी आईडी बैन होने वाली है। भाई भाई भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बैन जो आईडी होती है वो उसी कंडीशन में होती है जब आप कुछ रूल्स को ब्रेक करते हो, जैसे कि अनयूजुअल एक्टिविटी वगैरह होती है, कुछ रीजन से उन्हीं की वजह से आईडी बैन होती है। अगर वो सब आपकी आईडी में नहीं हो रहा है तो आपकी आईडी बैन नहीं की जाएगी, गैरेना का पॉलिसी है। कुछ यूट्यूबर पार्टनर प्रोग्राम में तो घुस गए, बस उनमें इतनी सी भी अकल नहीं है, उन्होंने बस अपने मन से जो बोल दिया आप लोगों ने मान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। गाइस, आपकी आईडी वायलेट मतलब किसी भी रूल को वायलेट नहीं करती है, तो आपकी आईडी बैन नहीं होने वाली। एंड आप बात करते हैं जो प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन, तो आपकी आईडी में रेस्ट्रिक्शन भी नहीं आने वाला। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी मैं जो आपको पीछे समझा रहा था वो था रिफंड कंडीशन में, जैसे कि अगर जो रिफंड वाला सिस्टम होता है ना उसके अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन आता है। बट इस बार गैरेना सबको माफ कर देगा, क्योंकि किसी की आईडी के साथ कुछ नहीं होने वाला। जैसे आपकी आईडी अभी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। बट ये है, जैसे कुछ बंदों ने अभी तक जो डायमंड बचा के रखे होंगे ना, तो प्लीज उन्हें खर्च मत करना। जैसे आपने जो हाइड आउट इवेंट से जितना डायमंड ग्लेस यूज किया था उनसे आपने सब कुछ मैक्स कर लिया, एक वे के सब कुछ मैक्स, मतलब अपने डायमंड वेस्ट कर दिया। बट ऐसा हो सकता है किसी की आईडी में अभी भी कुछ डायमंड बचे होंगे, जैसे 250, 300, 400, तो कुछ टाइम बाद अगर ऐसा हो सकता है कि गैरेना उन डायमंड को ले लेगी, मतलब जो आपने 300-400 डायमंड अपनी आईडी में रख रखे हैं उनको जीरो कर देगी। बस इससे ज्यादा गैरेना कुछ भी नहीं करने वाली, आपकी आईडी के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जितने भी बंदे भाई टेंशन फ्री हो जाओ, बेफिक्र रहो, आपकी आईडी के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। एंड अब मैं देखो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज बात करता हूँ। जो भी बंदे अभी तक चैनल को देख रहे हो, लाइक कर देना वीडियो को, लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो क्लियर बात थी मैंने आपको बता दी। अब बात करता हूँ एक और चीज गाइस, अभी आपको बता हुआ रैंक सीजन का, रैंक का न्यू सीजन आने वाला 31 डेट को। एंड आप लोगों को बहुत सारे बंदे जानना चाहते हो कि भाई क्या ग्लिच होता है जो रैंक पुश का, जो ग्लिच होता है, तो भाई टेंशन मतलब कुछ टाइम बाद मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ग्लिच की शुरुआत हुई है। तो अब तुम्हारा भाई वो ग्लिच भी बताने वाला, तब सबके लिए फेयर हो। रैंक सीजन से पहले 31 को अगर रैंक सीजन आ रहा है, तो तुम्हारा भाई 30 के दिन मतलब, या तो हो सकता है 31 को नहीं, 30 डेट को आपको वो ग्लिच मेरे चैनल पर वीडियो
मिल जाएगी, आप उस ग्लिच को इजीली देख सकते हो एंड जितने भी बंदे देख रहे हो ना सबके सब रीजन में पुश कर सकते हो, फिर कोई कंपटीशन मतलब सबके लिए वो फेयर चीज हो जाएगी। मैं भी मानता हूँ कि ये गलत है कि कुछ बंदे यूज कर रहे हैं, कुछ को पता ही नहीं है, मतलब 99% बंदों को ग्लिच के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ 1% बंदे हैं, 1 से भी कम, जो उस ग्लिच का फायदा उठा रहे हैं। तो गाइस टेंशन मत लो, जितने बंदे देख रहे हो आपका भाई सबके लिए वो ग्लिच चलाने वाला है एंड वो ग्लिच बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब अगर उससे देखो कुछ बंदे कह रहे थे ना कुछ यूट्यूबर जैसे वोल्टी को बोल रहा था कि बंदों की आईडी बैन हो जाएगी, भाई वो ग्लिच जिस तरीके से यूज होती है उसमें कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं हो रहा, कोई भी वॉयलेट नहीं कर रहे हम पॉलिसी को, तो आईडी बैन तो होने से रही। एंड गैरेना इन छोटी छोटी बातों के लिए, वैसे बात आधी मैं क्लियर बात बताता हूँ, गैरेना वैसे भी ज्यादातर यूट्यूबरों की सुनती ही नहीं है, पार्टनर प्रोग्राम वालों की, गिनती के कुछ यूट्यूबर्स है जिनकी बात सुनी जाती है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स मैटर करते हैं। गाइस टेंशन फ्री रहो, इस गिलेज से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ये हो सकता है इस गिलेज को वो बंद कर सकते हैं अगर ज्यादा उसमें यूज हुई। वैसे ये गिलेज बंद नहीं होने वाला क्योंकि ये गेम का एक पार्ट है, क्योंकि अगर ये गिलेज बंद होगी तो उससे बहुत सारे प्लेयर्स का ही नुकसान होने वाला, क्योंकि आप लोग जैसे जो भी बंदे अपना गेम खेलते हैं तो वो जाने अनजाने में डेली हर बंदा कभी ना कभी इस ग्लिच को यूज करता रहता है डेली, बट वो उस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता था, बाय बाय, टेक केयर।